हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? लॉकडाउन का टाइम बहुत टफ है। आप लोग अपने स्कूल से दूर हो, आप लोग अपनी टीचर से दूर हो, एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट तरमरा गया है। पर इस एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को कंटिन्यू रखना होगा। हम लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू ही रखेंगे बिना किसी ऑब्स्टेकल के। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, मोदी जी ने हमें जियो का इतना अच्छा नेट दे रखा है जिसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। नहीं, चलो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे 5 से 6 सिस्टम, जिसमें से 2 सिस्टम आपको मिलेंगे प्लांट से रिलेटेड और 4 सिस्टम मिलेंगे आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। लाइफ प्रोसेसेस है क्या चीज़? लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ को बिताने के लिए, हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए कुछ सिस्टम की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे सिस्टम जो कि हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे नहीं, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिएंगे नहीं, अगर हमारा दिल नहीं धड़केगा तो हम नहीं जिएंगे, अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन आगे नहीं होगी, अगर हम लोग एक्सक्रीट नहीं करेंगे, जो खाया है उसको रिमूव नहीं करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर, तो भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें एक साथ मिलके बन जाती हैं लाइफ प्रोसेसेस, राइट? सो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी टू सर्वाइव अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और टू सर्वाइव अ लाइफ। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑल्सो। बट इस चैप्टर में हम जिनकी बात करेंगे वो बात करेंगे हम डाइजेशन, जो आएगा हमारे न्यूट्रिशन टॉपिक के अंडर। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, इनको लेके हम नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो भी तैयार करेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है डायग्राम्स। हर टॉपिक के, हर सिस्टम के साथ हमें डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपके एग्जाम में एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स का ये चैप्टर आता है और एक डायग्राम 110% पूछा ही पूछा जाता है। तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस देखिए, जहां मैं आपको बहुत ही सिंपल ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा चैप्टर समझा दूंगी। आपको दोबारा बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस वीडियोस को दोबारा दोबारा देखते रहें और इससे आपको बहुत जल्दी चैप्टर लर्न हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना सिखा सकती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत ही पुअर होते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में उनके बहुत सारे मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। पर मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, आप बहुत अच्छे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? पोषण। हम खा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खाना। मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करने की व्यवस्था की है। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। खाना ही क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यही हमारे लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें सर्वाइव करने में हेल्पफुल होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक। इनटेक मीन्स अंदर लेना, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी न्यूट्रिएंट को अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना, मतलब उसको इस्तेमाल करना, वो क्या है? न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन, राइट? अब न्यूट्रिएंट वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने। न्यूट्रिएंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंसेस हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग, फॉर वर्क, फॉर मेंटेनेंस, है ना? मेनी टाइम यू आर फीलिंग वेरी लो, आप बहुत लो फील करते हैं, बहुत गर्मी का मौसम हो गया, गर्मी से घर में आते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो उस टाइम आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ग्लूकोज वाटर, है ना? ग्लूकोज डी लेते हैं ना आप गर्मी में, तो वो क्या प्रोवाइड करे आपको? वो आपको प्रोवाइड करे इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट। सो इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट ग्लूकोज क्या करेंगे? आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे, जिससे कि आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे। विंटर के टाइम आप बहुत घी कंज्यूम करते हैं, फैट्स लेते हैं, क्यों?
ताकि आपकी बॉडी को इंसुलेशन मिल सके। मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। सो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। सो आप यहाँ से न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगली बात करेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद। ट्रॉफिक मीन्स फूड, जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करें, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। अब खाना दो तरह से तैयार हो सकता है, वन विद द विद द फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर इज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो मीन्स सनलाइट, जो खाना सनलाइट की हेल्प से प्रिपेयर हो वो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एल्गी। दूसरे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो मीन्स केमिकल। वो ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। इफ दे आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट, दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। बट इफ दे आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दे आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ। एट एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया, मिथेन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दोज आर यूजिंग केमिकल टू प्रिपेयर देयर फूड, राइट। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ मूव टू द अनदर वन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और वी कैन से डिपेंड्स ऑन अदर्स फूड, जिसमें हम हमारे फूड के लिए औरों पर निर्भर हो, जैसे कि हम हमारे फूड के लिए पौधों पर, जानवरों पर डिपेंडेंट है। सो वी आर इन अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अलग अलग तरह का होता है, जो मैं आपको डिफाइन करूंगी। सबसे पहले है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, जो हर तरह के प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स की रूट्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड, स्टेम, जो सब कुछ यूटिलाइज करे, दे आर नोन एज हर्बीवोरस। दे आर नोन एज हर्बीवोरस, राइट। नेक्स्ट इज फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस मीन्स दोज आर यूटिलाइजिंग ओनली फ्रूट्स, दोज आर यूटिलाइजिंग ओनली फ्रूट्स, दोज आर फीडिंग ऑन द फ्रूट्स, दे आर फ्रूगीवोरस। नेक्स्ट इज कार्निवोरस, दोज आर डिपेंडिंग ऑन अदर एनिमल, दोज आर डिपेंडिंग ऑन अदर एनिमल, दे आर नोन एज कार्निवोरस। नेक्स्ट ओमनीवोरस, those who are eating both herbivorous and those who are eating plants as well as animal, plants as well as animal, they are known as omnivores. Sanguivorous, those who are feeding on the blood, like ticks, जुएं हो जाती है सिर में, काऊ के, बफेलो के चीचड़, ticks जो चिपक जाती हैं, they are sanguivorous. Your mosquito, मच्छर। Next is detrivorous, जो डेड और डिकेइंग, डेड मटेरियल पे सर्वाइव करते हो, लाइक वल्चर्स, है ना। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट्स को खाते हो सिर्फ, लाइक यूर लिजर्ड, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक। दीज ऑल आर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। इज इट क्लियर टू यू? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ, और दिस फोटो ऑटोट्रॉफ इज ऑल्सो कम्स अंडर process of photosynthesis. For the photosynthesis itself a very big topic. So for the photosynthesis you need to watch my next video. In that video I'll explain you about all the light reaction, dark reaction, how this photosynthesis process going on, everything. So keep watching my channel, like, share and subscribe. Thank you.